एसआई सहित चार पुलिसकर्मी हुए निलंबित। रीवा में पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने की कार्यवाही। अमैया थाने में हुई है एफआईआर दर्ज। नागौद सहित अमैया थाना प्रभारी आरोपियों की तलाश में दे रहे हैं दबिश। सेंट्रल जेल रीवा से प्रोडक्शन वारंट के तहत लूट के मामले में नागौद पुलिस ने आरोपियों की ली थी 3 दिन की रिमांड। बीती शाम अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानस भवन के पास से पुलिस वाहन गेट खोलकर आरोपी इमरान शाह सहित मोहम्मद अली असगर हुआ था फरार। कार्य में की गई लापरवाही के चलते पुलिस कर्मियों को में एसआई खुमान सिंह, एएसआई राजेश तिवारी, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सिंह, आरक्षक अनिल यादव सहित आरक्षक धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया को किया गया निलंबित। अभी हमको थोड़ी देर पहले पता चला कि दो आदमी अबू इब्राहिम और सोनू टकले भाग गए हैं। कहाँ से भाग गए? शायद पुलिस, नागौद की पुलिस यहाँ ला रही थी तलाशी वलाशी के लिए, उसमें भाग गए हैं। कहाँ के अपराधी थे? जी इनके ऊपर कुल 6 अपराध थे। कहाँ के हैं? अब लूट के ही, 3 तो लूट के हैं, एक 353 था और एक लूट का और था, ये समान थाने का था, और एक 353 लूट, एक चोरी का था सिविल लाइन से। कौन सी पुलिस लेके आई थी, कहाँ से भागे हैं? नागौद की पुलिस शायद लेके आई थी, सुने हैं, क्योंकि ये क्या था कि यहाँ वाले केस में सब में उनकी जमात हो गई थी, तो इनको जब रीवा की पुलिस के पास कोई केस नहीं बचा तो इन्होंने नागौद भेज दिया, तो नागौद में केस पेंडिंग था, प्रोडक्शन वारंट था, नागौद भेज दिया। और ये भी आज क्या कौन देने, संडे है, लगता शुक्रवार को भेजा गया था इनको, फिर पुलिस पीआर ली थी। अब पीआर लेके फिर क्या हुआ, कैसे भाग गए, ये तो पुलिस बताएगी, जो लिए था तो हथकड़ी लेके भाग गया कि ऐसे ही भाग गया, ये पुलिस वाले बताएंगे, हमको जानकारी इस बात की नहीं कि हथकड़ी लेके भागे। अभी एफआईआर भी हो रही है मैया थाने में। हाँ, तो हथकड़ी लेके भागे, ये तो वही जिनसे भागे वो बताएंगे, नहीं तो एफआईआर हो रही है ना थाने। हाँ भाई, यार एफआईआर हो रही है। आपका कुमार नराग शर्मा, आप उनके वकील भी हैं? हाँ, उनके वकील हैं। 4 केस में यहाँ से जमात हो गई, ये मुख्ता है जो भाग गए, उनको तुरंत हाजिर होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सभी केस में जमात हो गई थी, 4 केस में यहाँ हो गई थी, रामपुर नैकिन वाले में हो जाती क्योंकि उसमें एक मुलजिम की जमात हो गई है, नागौद वाले में लगी है तो वो भी जमात हो जाती, लेकिन ये भागना तो सबसे बड़ी मुख्ता है, पुलिस से भाग के आदमी कहाँ जाएगा। लेकिन काहे के अपराध है? लूट के। हाँ, ये मोबाइल लोगों के छुड़ा लेते थे बन के, वो कुछ मतलब जैसे बैठा लिया, गाड़ी आओ बैठो गाड़ी में, हम छोड़ देते हैं, पर बैठा के पर लूट कर लिया, छुड़ा लिया मोबाइल, पैसा, रुपया। ये सामान थाने में जब अभी पकड़ गए हैं तो इसी चक्कर में पकड़ गए, किसी बुढ़े को इनने बैठाया और उसका मोबाइल और पैसा छुड़ा के उसको धक्का दे दिया, उसके बाद जो उसका मोबाइल चालू हालत में लिए फिर रहे थे, तो पुलिस वाले अब सर्विलांस में लगा कि पीछा करके पकड़ लिए। अभी इतनी हिम्मत कि इन्होंने टक्कर मारी पुलिस को गाड़ी में, फिर पुलिस वालों ने इनको पकड़ा के जैसे पकड़ा हो, फिर 353 332 एक किसी समान थाने की सिपाही का हाथ भी टूट गया था, फिर उसके बाद जेल चले गए हैं, जेल चले गए तो गढ़ का सिरमौर में।